नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है डिस सॉल्यूशन ऑफ ए फर्म, जिसमें अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें आपको बैलेंस शीट बना के दी हुई थी। अब कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी होती, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट और उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। जैसे किसी फर्म में ए तथा बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी पूंजी है, ए की पूंजी और बी की पूंजी, इसकी पूंजी है 50,000 रुपये, बी की पूंजी दे रखी है 70,000 रुपये। ए की पूंजी दे रखी है 50,000 रुपये, बी की पूंजी 70,000 रुपये और क्रेडिटर दे रखे हैं 50,000 के, क्रेडिटर 50,000 के दे रखे हैं, जन रिजर्व दे रखा है, जन रिजर्व है 10,000 का, तो क्रेडिटरों के 50,000 के जन रिजर्व हो गया 10,000 का। उसके अलावा आपको दे दिया कैश 20,000 का, ये चीज़ें दे दी आपको, नीचे कुछ समायोजन दे दिए सीधे, समायोजन दे दिए कि संपत्तियों को बेचकर बेचकर 1,00,000 रुपये प्राप्त हुए। लेनदारों को 10% बट्टे पर भुगतान किया गया। कि संपत्तियों को बेचकर 1,00,000 रुपये वसूल हुए, लेनदारों को 10% बट्टे पर भुगतान किया गया। आवश्यक खाते बनाइए, आवश्यक खाते बनाइए। तो आवश्यक खातों में देखो, सबसे पहले इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये कहा है कि संपत्तियों को बेचकर 1,00,000 वसूल हुए हैं, तो 1,00,000 तो वसूल हुए लेकिन इनका पुस्तक मूल्य नहीं पता कि कितना है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और इस तरह से आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसे क्या कहेंगे, अपने मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है सबसे पहले। तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के और आप संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करोगे। ये अपनी मेमोरेंडम यानी समापन से पहले की बैलेंस शीट है। ठीक है, अपनी समापन से पहले की बैलेंस शीट है। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें दे रखी है, जैसे लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं 50,000 के, जन रिजर्व दे रखा है, दस हजार का कैश दे रखी इधर 20,000 की, अब कैश 20,000 की दे रखी है, और उसके अलावा आपको कैपिटल दे रखी है इधर, कैपिटल में ए और बी, ए की पूंजी है 50,000 और बी की पूंजी है 70,000, टोटल मिला के हो गया 1,20,000 की उनकी कैपिटल हो गई। अब देखो, सबसे पहले हमने कैश था वो दे रखा है 20,000 का हो गया,
क्रिएटर कितने के हो गए, क्रिएटर हो गए 50,000 के, धन रिजर्व दे रखा है आपको 10,000 का, कैपिटल दे रखी है ए की 50,000 और बी की 70,000, इसका जो डिफरेंस होएगा वो सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आप लिखो सन्ड्री एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स में देखो कितनी आएगी, पहले इधर टोटल लगाओ 180,000, 180,000 जिसमें से 20,000 गए, तो सन्ड्री एसेट्स कितने की आ गई, 160,000 की आ गई। तो सन्ड्री एसेट्स कितने की आ गई, 160 की, टोटल आ गया अपना 180,000 आ गया। तो सबसे पहले क्रिएटर लिखा जो कितने के हैं 50,000 के, उसके बाद धन रिजर्व है 10,000 का, कैश दे रखी है 20,000 की, कैपिटल दे रखी है, इनका डिफरेंस है जो बैलेंसिंग फिगर से आपका 160,000 आ गया। बैलेंसिंग फिगर से कितना आया, 160,000 आ गया। अब आपको इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले रियलाइजेशन अकाउंट, क्या देखो सबसे पहले रियलाइजेशन में अपने इस साइड में सारी संपत्तियों को लिखते हैं, तो कैश तो इसमें लिखा नहीं जाता, इसलिए क्या आएगा, टू सन्ड्री एसेट्स आएगी इसमें, टू सन्ड्री एसेट्स, और सन्ड्री एसेट्स कितने की आ गई, 160,000 की, 160,000 की, तो सन्ड्री एसेट्स आ गई। उसके अलावा देखो लाइबिलिटीज में एक क्रेडिटर दे रखा है, वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर आ गए, बाय क्रेडिटर आ गए। उसके बाद देखो असेट्स इधर लिखी तो उसकी प्राप्ति उधर लिखेंगे, संपत्तियों को बेचकर 1,00,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, तो क्या लिखोगे, बाय कैश, बाय कैश, और किससे प्राप्त हुए हैं, सन्ड्री असेट्स से, तो बाय कैश आ गया। क्रेडिटर कितने के थे, क्रेडिटर अपने थे 50,000 के, और कैश कितना रिसीव हुआ कि सन्ड्री एसेट्स को बेचकर 1,00,000 रुपए वसूल हुए हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1,00,000 आएगा। तो सन्ड्री एसेट्स से कितना आ गया अपना, 1,00,000 आ गया। इधर 160,000 लिखा, उधर कितना लिखा, 1,00,000। अब क्रेडिटर को ये कहते हैं कि 10% बट्टे पर भुगतान किया, तो टू कैश, नीचे लिखो सन्ड्री असेट्स, तो सन्ड्री असेट्स कितने के आ गए, टू कैश में कितना भुगतान किया गया है लेनदारों को 10% पट्टे पर, तो 50,000 का 10% काट के 45,000 पेमेंट हो गया। अब मान लो इसमें और भी हो सकता है, वसूली में 5,000 रुपये हुए जो ए द्वारा चुकाए गए, वसूली व्यय कितने हुए, 5,000 रुपये हुए जो ए द्वारा चुकाए गए, ए चुकाएगा तो अपने अगर फर्म चुकाते हैं तो टू कैश लिखते हैं, यहाँ पर ए ने चुकाए तो टू एज कैपिटल आ गया। अब एज कैपिटल आ गया, नीचे क्या लिख दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसिव, क्या आ गया अपना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और कितने रुपए चुकाए, तो ये टोटल आया अपना 1,50,000, 1,50,000, और इधर कितना है अपना,
5000 रुपये ये चुकाए एक्सपेंसेस के। तो इधर आ गए 160, 25, 210 और उधर 150 आ रहा है, तो पहले इधर का टोटल लगाएंगे अपने, तो 210000 आ गया। 210 में से कितना गया, इधर है 150000, तो 60000 का क्या आ गया, रियलाइजेशन पे लॉस आ गया। वो क्या करना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। ए और बी में टोटल कितना आना चाहिए, 210000। टोटल आ गया 210, और 210 में से क्या किया, ये लेस करके से जो बचा अपना 60000, उसे क्या करेंगे, साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो साझेदारों का जो लाभ हानि अनुपात है वो कितना है, कुछ नहीं दे रखा तो इक्वल माना जाएगा। तो इक्वल मानोगे तो 30000 तो ए का आएगा और 30000 ही है वो बी का आएगा। टोटल कितना आ गया अपना 60000, ये 60000 का लॉस हो गया। तो जब रिलाइजेशन अकाउंट बनाया तो पहले तो सन्डी सेट्स की वैल्यू लिखी थी टोटल, तो क्या लिखा आपने, 2 सन्डी एसेट्स कितने की है, 160000 की। उसके बाद दायित्व में सिर्फ क्या था, क्रेडिटर था, तो बाय क्रेडिटर लिख दिया कितने से, 50000 से। अब सन्डे सेट्स इधर लिखी और उसे जो रिसीव हुआ वो उधर लिखेंगे, तो 160 की जगह कितना रिसीव हुआ है, 100000, तो बाय कैश 100000 आ गया। दायित्व कितने के, 50000 के, 50000 में कितना चुका दिया, तो 2 कैश, ये कहते हैं कि 10% बट्टे पर चुकाया गया, तो 50000 का 10% कितना हो गया, 50000 का 10% 5000, तो 5000 बट्टा हो गया, तो टोटल कितना चुका दिया, 45000, तो 2 कैश 45000 आ गया। उसके बाद अब देखो वसूली वे कितने हुए, वसूली वे कहते हैं 5000 रुपये हुए जो ए द्वारा चुकाए गए, तो 2 अगर फर्म चुकाती तो 2 कैश लिखते यहाँ पे, अगर फर्म चुकाती तो क्या लिखना पड़ता, 2 कैश। लेकिन ये किसने चुकाया है, ए ने चुकाया, तो 2 एज कैपिटल लिख दिया। टोटल इसका आ गया 210000, 210 में से 150 गया, शेष कितना बचा, 60000 बच गया। तो ये 60000 है वो क्या हो गया, रिलाइजेशन का लॉस हो गया, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, जिसे क्या कर दिया हमने, पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसे क्या कर दिया, पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब उसके बाद क्या बनाना है आपको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इनका पुराना बैलेंस लिखा जाएगा, जो ए का बैलेंस दे रखा है कितना, 50000, और बी का बैलेंस दे रखा है 70000 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी। तो बैलेंस कितना है, ए का है 50000, ए वाले में तो लिख दिया 50000, बी का कितना है 70000, बी वाले में लिख दिया 70000। तो ए का 50000 आ गया और बी का 70000 आ गया। उसके बाद देखो, ए का 50000 70000 लिखने के बाद, उसके बाद इसमें आने वाली चीज़ें कहाँ पर लगेगी, कोई बांटने वाली चीज़ में एक चीज़ जरिजरव, जरिजरव क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बाय जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, 10000, कोई रेशो नहीं है, रेशो क्या माना जाएगा, इक्वल इक्वल माना जाएगा। जनिजर में कितने आएंगे, 5000 आ जाएंगे।
बांटने वाली चीज़ में क्या था, सिर्फ धन रिजर्व था। अब उसके बाद देखो रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं पर पार्टनर कैपिटल का नाम है क्या? यहाँ पर देखो टू साइड में रियलाइजेशन में टू इज कैपिटल, इज कैपिटल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाय रियलाइजेशन। तो कितने रुपए आएंगे इज कैपिटल में, तो यहाँ पे आ गए ए वाले में आएंगे कितने रुपए, 5000 रुपये। तो बाय रियलाइजेशन 5000 आ गया। उसके बाद देखो ये पार्टनर कैपिटल है, इधर लिखा बाई साइड में, वो यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन। तो लॉस कितना कितना आएंगे, जिससे में ए के आ गया 30000 और बी के भी आ गया 30000, ए के 30000 और बी के आ गया 30000। तो सबसे पहले क्या लिखा इसमें, देखो पुराना बैलेंस जो कितना दे रखा है 50000 और 70000 का, ये बैलेंस यहाँ से लाए। उसके बाद बांटने वाली चीज़ में जन रिजर्व है, तो बाय जन रिजर्व बांट दिया, किस रेशो में बांटा, उनका जो लाभ अनुपात है जो इसमें नहीं दिया हुआ तो क्या मानेंगे, बराबर बराबर 10000 दे रखे हैं दोनों को बराबर बांट दिया 5000 रुपये, तो बाय जन रिजर्व आ गया 5000 रुपये से। उसके बाद देखो रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं पर नाम आया क्या पार्टनर कैपिटल का, यहाँ पर है टू एज कैपिटल, तो एज कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन, और ए वाले खाते में आ जाएंगे कितने रुपए, 5000 रुपये। ए वाले खाते में कितने आ गए, इस तरह से 5000 रुपये आ गए, ठीक है। उसके बाद उधर था कितना, बाय पार्टनर्स कैपिटल में ए और बी, इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ए के 30000 रुपये और बी के 30000 रुपये। अब इनका डिफरेंस है वो बैलेंस से नहीं मिलाकर किससे मिलाएंगे, डिफरेंस है वो कैश से मिलेगा इनका। टोटल आ गया अपना 50, 55, इधर 60000 रुपये, इधर आ गया 75000 रुपये, इधर आ गया कितना 60000 रुपये, इधर आ गया 75000 रुपये। अब क्या करना है देखो, इसके बाद इस पूरे को किससे मिलाना है, इस पूरे को मिलाना है कैश से। तो 60000 और 75000, अब इसे मिलाएंगे तो इधर लिखेंगे टू कैश, 60 में 30 गए इसका तो आ गया 30000 से, इसका 75 में से 30 गया तो कितना आ गया, 45000 आ गया, कितना आ गया 45000। तो टोटल इसका 60 हो गया, इसका 60 कर दिया, उसका 75 आ, इसका 30 घटा के 45 आ गया। तो इसे किससे मिला दिया हमने, कैश से मिला दिया। तो ये कैश से मिल गया, आगे अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कैश में पुराना बैलेंस है वो लिखेंगे, जो बैलेंस कैश का कितना दिया हुआ है 20000, तो कैश का डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि सेट्स है, तो टू बैलेंस बीडी, तो बैलेंस कितना आएगा कैश का, 20000 रुपये आएगा। अब जहाँ जहाँ हमने कैश लिखी है वो सारी यहाँ पर क्या करेंगे, कैश है वो सारी की सारी यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैश ट्रांसफ़र करेंगे तो देखो यहाँ से तो बैलेंस लिख दिया, अब रियलाइजेशन में हमने लिखा टू कैश, रियलाइजेशन में क्या लिखा है टू कैश, तो कैश में क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन लिखेंगे। तो बाय रियलाइजेशन में कितने रुपए आएंगे, 45000। उसके बाद इधर लिखा बाय कैश, तो ये आएगा इधर टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन में आ गया ए का 30000, सॉरी बाय रियलाइजेशन तो कितना आ गया 1,00,000 रुपये आ गया।
ये 1 लाख आ गया। उसके बाद देखो इधर लिखा टू कैश, वो बाय में जाएगा, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल। तो ए और बी में कितने कितने आएंगे, 30 और 45 हज़ार। एक आ गया 30 हज़ार और बी का कितना आ गया 45 हज़ार। अब कैश का दोनों साइड का टोटल क्या है, बराबर आना चाहिए। कैश का दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा, इधर इसका आ गया 1,20,000 और इधर भी इसका आ गया 1,20,000। तो कैश अकाउंट कैसे बनाया, सबसे पहले तो पुराना बैलेंस लिखा, जो पुराना बैलेंस कितने का दिया था 20,000 का, टू बैलेंस बी डी 20,000 आ गया। उसके बाद रियलाइजेशन में टू कैश लिखा, तो कैश में क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन जो कितना आ गया 45,000 आ गया। फिर रियलाइजेशन में बाय कैश लिखा, वो टू में आ गया, टू रियलाइजेशन कितने से आ गया 1,00,000 रुपये से। अब पार्टनर कैपिटल में टू कैश ए और बी में 36 और 45 लिखा, वो बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल आ गया 30,000 और 45,000। इस तरह से कैश अकाउंट है वो दोनों साइड इक्वल आ गया। तो जब अपने को अगर बैलेंस शीट ना दे रखी हो और आपको ये समायोजन दी हो, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर और आपको ये दिया हुआ है कि संपत्तियों को बेचकर 1,00,000 वसूल हुए, तो यानी इसका पुस्तक मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका पुस्तक मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, पहले बैलेंस शीट बनाई जिसमें जो आइटम दे रखे हैं बैलेंस शीट के, जैसे क्रेडिटर दे रखा है 50,000 का, जन रिजर्व दे रखा है 10,000 का, कैश दे रखा है 20,000 का, कैपिटल दे रखी है 50 और 70 की, डिफरेंस है वो असेट्स 160 की आ गई। अब रियलाइजेशन बनाया, तो रियलाइजेशन में पहले इस असेट्स को लिखेंगे, बुक वैल्यू लिखते हैं, इधर दायित्व की बुक वैल्यू लिखेंगे, तो असेट्स की होगी 160 और इसकी क्रेडिटर की होगी 50,000। असेट्स से कितने रिसीव हुए 1,00,000, तो बाय कैश 1,00,000 आ गया। क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया गया 50,000, तो टू कैश 50,000 आ गया। उसके बाद ये कहते हैं कि जो 5,000 के वसूली हुए हुए जो किसने कर दिए, ए ने कर दिए, तो टू एज कैपिटल 5,000 आ गया। अब इनका जो डिफरेंस है वो रियलाइजेशन पे लॉस या प्रॉफिट आ गया, तो डिफरेंस इनका आ गया 60,000, वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशो में इक्वल, तो ए और बी में 30,000 आ गया, तो टोटल 60,000 हो गया। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले पुराना बैलेंस लिखेंगे, जो पुराना बैलेंस कितना दे रखा है 50,000 70,000, तो बाय बैलेंस बी डी 50,000 और 70,000 आ गया। उसके बाद जन रिजर्व कितने का है 10,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बाय जन रिजर्व आ गया 5,000 और 5,000, क्योंकि यहाँ पे 10,000 है, रेशो में बांट दिया, रेशो दे नहीं रखा तो इक्वल माना जाएगा, तो 5,000 आ गया। उसके बाद रियलाइजेशन में ए का नाम आया, तो ए में बाय रियलाइजेशन लिख दिया 5,000 का, फिर बाय ए बाय बी आया, टू रियलाइजेशन 30,000 आ गया। ठीक है, अब क्या है, इस अकाउंट को किससे मिलाएंगे, कैश से मिलाएंगे, तो इसका डिफरेंस निकाला तो टू कैश आ गया 30, इसका 45,000 आ गया। उसके बाद बनाओगे कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में क्या होगा, पहले तो पुराना बैलेंस आएगा, पुराना बैलेंस कैश का दे रखा है 20,000 का, तो टू बैलेंस बी डी 20,000 आ गया। उसके बाद जहाँ जहाँ हमने कैश लिखा वो सारा आएगा, तो रियलाइजेशन में टू कैश लिखा वो बाय में ले गए, बाय रियलाइजेशन 45,000, इसमें बाय कैश लिखा वो टू, रियलाइजेशन 1,00,000 आ गया। फिर पार्टनर कैपिटल में टू कैश लिखा 30,000 और 45,000, 30 और 45 वो बाय साइड में चला गया, बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल, तो ये दोनों साइड का योग बराबर आ गया। इस तरह से कैश अकाउंट का टोटल क्या होगा, दोनों साइड का इक्वल आएगा। इस तरह से अपने क्या बन गई, इस तरह से अपने बन गई मेमोरेंडम बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। धन्यवाद।